सलमान खान, सर्वानंद और प्रभास, ये तीनों ही इंडिया के काफी काबिल एक्टर हैं और अपनी अपनी फ्रेटर्निटी में काफी पॉपुलर स्टारडम रखते हैं। हालांकि इन तीनों के बारे में आज बात करने का मकसद कोई ऐसी मूवी के बारे में बताना नहीं है जहां पर ये तीनों एक साथ कास्ट किए गए हैं, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मेगा होगा तब जाकर ये तीनों एक्टर एक साथ काम करेंगे, सो दैट इज नॉट द पॉसिबल राइट नाउ। बट हाँ, एक बात और है जो इन तीनों को लिंक करती है और वो बात है मैरिज, और इस बात के लिंक का जो इंटरकनेक्शन है वो बालकृष्ण राजू की, तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिन्हें बलैया भी कहते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से डिकोड किया है अपने चैट शो में। जैसे यहाँ पर कॉफी विद करण का एक बहुत पॉपुलर टेम्पलेट है, वैसे ही साउथ में बालकृष्ण यानी बलैया अपना आहा प्लेटफॉर्म पर एक चैट शो चलाते हैं और उनका चैट शो बहुत पॉपुलर है। पब्लिक की ह्यूज डिमांड पर वो कई बड़े स्टार्स को इंटरव्यू पर ला चुके हैं जो कि एक्टर जनरली इंटरव्यू नहीं देते हैं, खासतौर पर प्रभास, सर्वानंद, ये दोनों बालकृष्ण के शो में गए और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ वो शो कि कई पार्ट्स में रिलीज किया गया, खासतौर से प्रभास का। जब प्रभास का इंटरव्यू हुआ तो प्रभास ने अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो कि जनरली टीवी इंटरव्यू में खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अटकी उनकी मैरिज को लेकर। और जब बात चली मैरिज की तो बलैया ने उनको अच्छे से घेरा और बोला आप 40 प्लस हो चुके हैं, मैरिज क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में बोला कि सलमान खान के बाद ही करूंगा। अब यहाँ पर सलमान खान का नाम क्यों आया, उसके पीछे भी बलैया की एक और हिस्ट्री है। एक्चुअली बालकृष्ण साहब ने इससे पहले सर्वानंद का भी इंटरव्यू किया था और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने ज्यादा एजेड या कह लीजिए मेच्योर हो चुके हैं तो आप मैरिज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मोस्ट एलिजिबल एक्टर हैं तेलुगु इंडस्ट्री के, तब सर्वानंद ने बहुत ही मजाक में बोला कि जब प्रभास करेंगे उसके बाद मैं करूंगा, यानी उन्होंने सारे की सारी जिम्मेदारी प्रभास के कंधे पर डाल दी। और यही काम प्रभास से जब पूछा गया तब बालकृष्ण के अंदाज में उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से बोला कि सलमान खान के बाद में मैरिज करूंगा, यानी नौ मन तेल होगा और नराधा नाचेगी। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट एक्टर्स की बात है, तीनों अपने अपने फील्ड के उस्ताद हैं और तीनों ही करीब अराउंड 40 या 50 के बीच में वर्क कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है हर फैंस में, हर उनकी पब्लिक में, उनके चाहने वालों में ये सवाल वाजिब रहता है कि मैरिज कब करेंगे। सलमान खान का तो कोई खुदा ही गवाह है, बट हाँ प्रभास ने जरूर कहा कि वो मैरिज पक्का करेंगे बिकॉज उनकी मदर उनको बहुत फोर्स करती हैं और उनको मैरिज करनी ही पड़ेगी। हालांकि उनकी जितनी सारी न्यूज, जितनी सारी बातें उसका सेट्टी से कनेक्ट कर रही थी वो सारी फ्रॉड साबित हुई। फिलहाल कुछ लोगों ने कृति सनन के साथ भी उनके नाम को जोड़ा, बट यहाँ भी क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि वो सिर्फ उनके साथ को एक्टर के तौर पर काम कर रही है जिसका नाम है आदि पुरुष। तो सर्वानंद भी बैचलर हैं, सलमान खान भी बैचलर हैं और प्रभास भी बैचलर हैं। इन तीनों बैचलर्स को इकट्ठा किया हमारे बालकृष्ण साहब ने और एक तरह की नई सनसनी फैला दी है। अब पब्लिक को, फैंस को, ट्रोलर को वेट है कि अब बालकृष्ण किसी तरह से सलमान खान को भी अपने टीवी शो में लेके आए, जो कि आज की डेट में बहुत इम्पॉसिबल टास्क नहीं लगता बिकॉज सलमान खान तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत अच्छा कनेक्टेड रखते हैं, एक तरफ वो गॉडफादर कर चुके हैं, इसके अलावा कन्नड़ा में भी काम करते हैं। तो भाईजान को जब बालकृष्ण बुलाएंगे तब ये हैट्रिक कंप्लीट होगी और ये मैरिज का जो पूरा फलसफा चल रहा है वो भी डिकोड होगा कि आखिर कौन बंदा किसके पहले मैरिज करेगा, सर्वानंद पहले करेंगे, सलमान खान पहले करेंगे, प्रभास, या फिर तीनों इसकी टोपी उसकी सर घुमाते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।